ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि लैवा को सड़क पर बेसहारा देखकर हरीम को उस पर तरस आ जाता है और वो उन्हें कुछ गुंडों से बचाने के लिए अपने साथ घर ले आती है, क्योंकि वो जानती हैं कि अब लैवा का वो कोई भी नहीं है और लैवा वो घर छोड़कर आ चुका है। इसलिए वो अपने अब्बू को सब कुछ बता देती है कि कुछ गुंडे लैवा को लूटने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो बेसहारा थी और मैं उसे ले आई। फिर उसका अब्बू हरीम से कहता है कि जब तुम्हें इन्होंने रात के पहर घर से निकाला था तब तुम भी तो बेसहारा थी। और फिर लैबा जब ये सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हरीम जब लैबा के पास आती है तो लैबा को इसका एहसास हो चुका होता है कि उन्होंने हरीम के साथ बहुत गलत किया, इसलिए वो हरीम से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपके साथ ये सब किया और भाई ने भी आपसे टूट कर मोहब्बत की। फिर हरीम कहती है कि हाँ, टूट कर मोहब्बत की, इस तरह मुझे तोड़कर भी रख दिया, अब ना मुझे में जीने की ख्वाहिश है ना मरने की। और दूसरी तरफ फ़ाइज़ का भी एक्सीडेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटल में होता है लेकिन इसकी खबर किसी को भी नहीं होती। हरीम तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, वो इस मुश्किल वक्त में लैबा की मदद कर देती है, लैबा उसके एहसानमंद होती है। और दूसरी तरफ कहकशा बहुत परेशान होती है कि उसकी बेटी लैबा कहाँ चली गई है, इसलिए वो उसे कॉल करती हैं। और जब कॉल करके वो उससे पूछती हैं कि बेटा तुम कहाँ हो, तुम घर छोड़ कर क्यों चले गए, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और लैबा फिर जब कहकशा को ये बताती हैं कि वो हरीम भाभी के घर हैं, तो ये सुनकर कहकशां बहुत हैरान हो जाती है।